दोस्तों वेलकम। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने आप को बचा सकते हो किसी भी फ्रॉड से। देखिए, फ्रॉड होती है धोखा देना। अगर आपके साथ धोखा नहीं हुआ तो भी आपको अलर्ट रहना चाहिए किसी भी तरह के धोखे से। किसी के साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो मैं यह कहूंगा कि वह उसके लिए जिम्मेवार है, खुद जिम्मेवार है, क्योंकि 40% जो फ्रॉड होते हैं वो फियर्स के कारण होते हैं, हमारे डर से। क्योंकि जो हमसे धोखा करना चाहता है वो देखता है हमारी वीकनेस। अगर हमें भय है, हम डर जाते हैं, तो वो हमसे आसानी से धोखे से पैसा ले सकता है। जो वो करना चाहता है, जिस तरीके का वो धोखा करना चाहता है वो कर सकता है। और 50% है ग्रीड, लालच। अब आपका मन के ऊपर, आपका मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो भी आप किसी न किसी फ्रॉड में फंस सकते हो। तो ये बनते हैं 90%, 40 और 50 90%। 90% चांस है कि अगर आप में डर है, अगर आप में लालच है, कुछ पैसा छेती आ जाए, लखपति खरपति अरबपति छेती छेती बन जाऊं, तो हो सकता है कि कभी या कभी जिंदगी में आप किसी या किसी फ्रॉड में फंस सकते हो। और 10% आपकी मिस्टेक इसलिए क्योंकि आपने सीखा नहीं, नॉलेज नहीं लिए। नॉलेज से, ज्ञान से हमें जो चीज प्राप्त होती है उससे 10% चांस हमारा कम हो जाता है, तथा हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमें नॉलेज है। तो आइए दोस्तों, जाने के फ्रॉड किस किस तरीके के होते हैं। सबसे पहले बैंक में आपका धन है, मनी है, तो जो धोखेबाज है वो आपका बैंक से पैसा कैसे लिया जाए, इसलिए वो फ्रॉड कहते हैं, बैंक फ्रॉड कहते हैं। फिर है आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी है एक, अगर उसको वह लीक हो गई है तो उसका फायदा जो चीटर्स हैं वो लेते हैं, इसे आइडेंटिटी फ्रॉड कहते हैं। क्रेडिट फ्रॉड, धोखे से आपका कर्जा ले लेना, उधार ले लेना, देना नहीं, छल कपट। कंज्यूमर के साथ अक्सर फ्रॉड हुआ है, झूठी एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल झूठे विज्ञापन के थ्रू यह फ्रॉड होता है। इंटरनेट फ्रॉड, आपको पता ही है, एक ईमेल आती है, उसमें एड्रेस दिया होता है यहाँ जाइए, उससे क्या है वो आपके कंप्यूटर को पूरा स्कैन कर लेते हैं, कौन सा डाटा किस जगह पे पड़ा है। तो इस तरह से इंटरनेट फ्रॉड होते हैं। इंश्योरेंस फ्रॉड, एक कॉल आती है, हेलो आपको ये बोनस दिया जाएगा, आपको इतना पैसा इतने में बन जाएगा, तो उस हिसाब से आप लालच में फंस जाते हो, बहुत सारा पैसा देते जाते हो और इस हिसाब से आपका पैसा डूब जाता है। हेल्थ केयर, झूठे वादे, बहुत छेती, आपका वेट कम हो जाएगा, ऐसे झूठे वादों में आपका पैसा डूबता है। तो इससे बचना क्या है, ऐसे है बहुत सिंपल सी असूल है। नंबर एक वे जो कहता है, बहुत छेती अमीर बन जाओगे, लालच देना पैसे का कि आपको इतने इतने से इतना बनेगा, ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है, तो ऐसी स्कीमों में मत फंसिए, पहली बात। दूसरी बात, किसी को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मत दीजिए, ऑनलाइन पे ऑफलाइन पे, जिसको आप जानते नहीं, जिसके साथ आपकी कोई बिजनेस डील नहीं है। इसके अलावा जो आप फ्रॉड से बच सकते हो कि अगर कोई आपको ब्लैकमेल करता है, आपको किसी काम में फंसाता है आपको धोखा देने के लिए, तो डरिए मत। डरना नहीं चाहिए इंसान को, जो डरता है वो मरता है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी बात कि हर चीज को आप स्टडी कीजिए। ऑनलाइन पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फ्रॉड कैसे बचा जा सकता है, बहुत सारी टिप्स दी हुई हैं, मैं भी अभी स्टडी कर रहा था, उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और उसको कॉपी पे नोट कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपको फोन पे, ईमेल पे, कहीं भी कोई ऐसा डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता है, तो एकदम फाइनेंशियल डिसीजन जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाती है मत लीजिए, क्योंकि वो फ्रॉड हो सकता है। कहते हैं बहुत ज्यादा
अगर कोई सच्चा बनने की कोशिश करता है तो इट मींस कि वो कहीं ना कहीं झूठा है। ओवर एक्टिंग मत कीजिए। अगर आप देखते हो कोई ओवर एक्टिंग कर रहा है, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। कोई सुराग देखिए कि कहाँ मिस्टेक किया उसने। समझिए, आपका धन है भाई, बहुत मेहनत से कमाया गया है। ब्लैक मनी तो है नहीं आपके पास, ठीक, तो इसको संभाल के रखिए। इसको मत फ्रॉड में लॉस्ट कीजिए, क्योंकि फिर आपके हाथ में आने वाला नहीं है, ठीक। इसको, इस बात को समझिए और हमेशा याद रखिए कि अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो आप जिम्मेवार हो खुद, क्योंकि आपने इन तीन चीजों के ऊपर अच्छे सर्च नहीं की, अपना धन को बचाने का पूरा प्रयत्न नहीं किया। तो आज से ही जुट जाइए कि आज के बाद हम कभी भी किसी भी फ्रॉड में पैसा नहीं डुबाएंगे। कुछ भी हो जाए, हर चीज को समझेंगे कि ये फ्रॉड क्यों हुआ, 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 क्यों का आंसर जब आपको पता लग जाएगा, उसको अपने दिमाग में उसको एक्ट अपॉन कर लोगे, तो आप धोखे में नहीं फंसोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।